हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो एसएससी के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और जब वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। तो चलिए, उनमें से कुछ जो फिक्स फॉर्मेट्स हैं आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और जब भी एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो प्री हो या मेन हो, वहां पर यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और अगर आप वो एक नंबर फिक्स करना चाहते हैं कि वो तो आपका कभी छूटे ही ना, तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। तो वो फिक्स फॉर्मेट क्या है? वो है ये, आपको एक वैल्यू और उसका बार बार अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है, और ये टर्म चल रही है इन्फिनिटी तक। वैसे ही वही सेम वैल्यू और उसके अंदर डिवाइडेशन का सिंबल दिया गया है, इन्फिनिटी तक चल रही है। वही सेम आपका प्लस हो रही है वैल्यू, इन्फिनिटी तक चल रही है। वही आपकी वैल्यू नेगेटिव में है और वो आपकी इन्फिनिटी तक चल रही है। तो इन क्वेश्चन को किस तरह से अपने सोल्व आउट कर सकते हैं? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है तो जो भी आपकी टर्म लिखी हुई है वही आपके आंसर को बताएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दिया गया है तो आपका जो उत्तर आता है वो आता है x। अगर आपका डिवाइडेशन का सिंबल दिया है, भाग का सिंबल दिया है, इनके बीच में इन्फिनिटी चल रही है, तब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा इसकी क्यूब रूट। x की क्या आएगी? क्यूब रूट। आपको इसका क्यूब रूट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां बात करूं कि अगर मैंने यहां बीच में लिख दिया दो, मल्टीप्लीकेशन में दो, अगेन मल्टीप्लीकेशन में दो, और इन्फिनिटी टर्म चल रही है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? दो आएगा। अब यहां पे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहां पर अगर मैंने टर्म दे दी आठ, डिवाइडेशन बाय आठ, डिवाइडेशन बाय आठ, और ये रेगुलर चल रही है इन्फिनिटी तक, तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? आठ की क्यूब रूट आएगा। आठ की क्यूब रूट कितना होता है? दो, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मेशन है इन दोनों का पहले का, जिसे आप इस तरह से सोल्व आउट कर सकते हैं। अब बात आती है प्लस या माइनस की, तो इसे आप एज ए फॉर्मूला भी कर सकते हो, और इसे आप एक नोट में रख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो माइंड में कवर अप हो जाए। तो पहले अपने फॉर्मेट देखते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या है। पहले मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि जो नीचे वाली फॉर्मेट है आपको मैं प्रॉपरली वो समझा दूं। अब यहां पर बात आती है कि अगर आपको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट क्या कहता है? वन प्लस अंडर रूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू। अगर आपका प्लस का सिंबल है तो आपको क्या करना है? वन प्लस फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू। एक्स का जो भी मान दिया होगा आपको इसमें पुट कर देना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं अपने। एक क्वेश्चन लिया मैंने, रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है? छ प्लस, अगेन आपको छ प्लस, अगेन आपको छ प्लस, ये टर्म चल रही है इन्फिनिटी तक, आपको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे? वन प्लस अंडर रूट चार गुना में छ प्लस वन डिवाइड बाय टू। एक्स की जगह मैंने छ रख दिया, वन प्लस छ गुना चार चौबीस, चौबीस और एक पच्चीस, पच्चीस का अंडर रूट पांच डिवाइड बाय टू, छ बटा दो तीन, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप इसे इस तरह से कर सकते हो। अगर आप इसे माइंड में करना चाहते हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो छ है ये किन दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, किन दो कंजुगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन करने से आपका छ आता है? छ आता है दो गुना तीन से, ये कंजुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या है दो और तीन। अगर यहां पे आपका प्लस दे रखा है तो आपका उत्तर क्या आएगा? बड़ी संख्या आएगा तीन, आपका आंसर रेडी है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है? ये फॉर्मूला तब यूज होता है कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूं जिसमें आप जब उसे तोड़ो तो कंजुगेटिव संख्याओं का गुणनफल ना बने, लगातार संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से आपसे ना बने, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहां से कर सकते हो। एक क्वेश्चन अपने वो टारगेट करते हैं, सर फटाफट आंसर निकालते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। आपको दे रखा है बहत्तर प्लस बहत्तर प्लस बहत्तर प्लस अंडरूट बहत्तर, और ये रेगुलर चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व आउट कर सकते हो? तो बहत्तर किन दो लगातार संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से बनता है? बहत्तर बनता है आठ गुना नौ, प्लस का साइन दे रखा है तो नौ आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो अपने को यहां कवर करना था। अब
चलते हैं माइनस के टर्म के ऊपर कि अगर आपको माइनस दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व आउट करोगे। तो चलिए माइनस की टर्म को अपने किस तरह सोल्व आउट कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं इसे फॉर्मेट के थ्रू करता हूं तो सेम यही फॉर्मेट है, कुछ थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। वो क्या है, आपको करना है माइनस वन प्लस अनरूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू, यानी कि यहां पर आपका प्लस वन था तो यहां आपको माइनस वन रखना है। सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिएगा इस अब क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि अपने फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट माइंड में करना है तो डायरेक्ट माइंड में कैसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 और ये आपका चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या होगा, माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर, एक्स का मान आपका 12 है, प्लस वन डिवाइड बाय टू, माइनस वन प्लस 12 चौके 48 और एक 49, 49 का अंडर रूट आपका कितना आ गया 7 डिवाइड बाय टू, 7 में से एक गया 6, 6/2 तो आपका आंसर क्या है 3। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है फॉर्मूले से। और अगर आप इसे माइंड में करना चाहते हैं तो आपको वही चीज देखनी है कि 12 जो है किन दो कंजुगेटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल से बनता है। 12 किससे बनेगा, 3×4 से बनेगा, ये लगातार संख्या इनके मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है। अब यहां पे अगर माइनस है तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। अगर यहां पर प्लस होता तो आंसर क्या आता, बड़ी संख्या। प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या, आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी। लेकिन अगर यहां पर आपको कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिसे आप कंजुगेटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन से नहीं बना सकते, तब आपको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसी से आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो सोल्व आउट होगा। तो एक क्वेश्चन अपने और फटाफट टारगेट कर लेते हैं और आंसर बताइएगा स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं, 56 माइनस अनरूट 56 माइनस अनरूट 56 और इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस 56 को दो कंजुगेटिव नंबर बनाने ही होता है आपका, 7×8 56, माइनस की टर्म है तो आपका छोटे वाला आंसर आएगा, तो 7 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये चार पैटर्न अपनों ने आज कवरअप किए हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताया है। मैं आपको प्रॉपरली बेसिक भी कवरअप करवाऊंगा और उसके लिए प्रॉपर जो वीडियो बनेगी, एक लेंथी वीडियो बनेगी, वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, वो जल्द आपको वो बेसिक वीडियो भी मिल जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आप ट्रिकी कर सकते हो, लेकिन बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, और बेसिक भी मैं आपको कंप्लीट कवरअप करवाऊंगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा।